तो यहाँ हम लोग जो है राजद का सपोर्टर यहाँ है, यहाँ आनंद सिंह का सपोर्टर नहीं है, लेकिन अब राजद जब जिसको टिकट दिया उसको देंगे वोट। हाँ, सब लालटेन को जाएगा, एगो नहीं मैं है। चुपचाप लालटेन साहब, तेजस्वी जी अच्छा काम कर रहे, रोजगार दे रहे हैं युवा को, अब मोदी जी जैसा पकौड़ा थोड़ी बेचेंगे। तो आरजेडी के देंगे, क्योंकि दबे कुचले को अधिकार दिए हैं लालू जी। अनंत सिंह ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, करते हैं। जो लोग जाते हैं जरूरतमंद लोग, तो उनका काम भी करते हैं, जो नहीं गए हैं उनको नहीं पता है। अरे अनंत सिंह के कौन जानता, कोई ना। अनंत सिंह तो इतना काम कर रहा है, अभी तो जेल में ठूसे हुए थे, क्या काम करेंगे बेचारे। ये हम लोग जिधर हम लोग गए उधर जीत होगा। कमल मुरझा जाता है, ललटेन तो प्रकाश देगा, इसे ललटेन जलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। मोकामा के उपचुनाव अब बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है धीरे धीरे, और जैसा कि अनंत सिंह तो यहाँ पर पहले से थे ही, उनका चल रहा था राज्य, और उनकी पत्नी नीलम देवी खड़ी हुई। लेकिन दिलचस्प मोकामा उपचुनाव तब हुआ जब ललन सिंह एक दिन पहले जदयू से इस्तीफा दे दिए, और देने के बाद फिर बीजेपी उन्हें सपोर्ट की, बीजेपी का सिंबल उन्हें मिला और बीजेपी की तरफ से खड़ा हुए। अब मैं मोकामा का क्षेत्र जो है वो क्षेत्र में घूम रही हूँ कि आखिर पब्लिक यहाँ पे हर कौन से क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या किस चीज़ का है, और वो लोग किसके तरफ वोट करने वाले हैं, रुझान किधर है। अभी मैं जो जगह है, मैं जहाँ आई हुई हूँ वो मैं दिखा जाऊँगी। पंडारक प्रखंड है, ये पंडारक प्रखंड है, और यहाँ का क्या माहौल है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। और मोकामा का ये जो पंडारक प्रखंड है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्यों महत्वपूर्ण है मोकामा में, यह एक अलग ही जगह रखता है। क्यों रखता है ये मैं यहाँ के जो जनता है, जो पब्लिक है, उन्हीं से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तो दोपहर का समय है, एक साथ घर में मिले भी ना मिले, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, चाय का दुकान है, चाय भी पिया जा रहा है, और ये पंडारक जो जगह है यहाँ पर, तो क्या लग रहा है अभी का जो रुझान है, दो लोग यहाँ पे खड़ा हो रहे हैं, बाहुबली कहा जा रहा है, दोनों की पत्नियाँ खड़ा हो रही है, नीलम देवी और सोनम देवी। मैडम, बाहुबली की बात जहाँ तक है, तब बाहुबली अनंत सिंह के है, जनता का सपोर्ट है। अच्छा। समझे ना, ये लेके उनको बाहुबली कहते हैं, समझे ना। हमारा प्रखंड पंडारक पड़ता है, पंचायत पूर्वी पंडारक, मेरा गांव गोकिता। अच्छा। प्रमोद कुमार मेरा नाम हुआ। अच्छा, और ये ललन सिंह भी तो यहाँ से कहा जा रहा है कि वो एकदम मोकामा के हैं, तो मोकामा इनका। ललन सिंह के बारे में जहाँ तक हमको जानकारी है कि बीजेपी में कभी अइबे नहीं किए हैं कार्यकर्ता के रूप में, एकाएक इनको नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी को कोई लोग ही नहीं दिखाई दिए थे? नहीं, लोग तो है मैडम यहाँ पे खड़ा करने के लिए। नहीं है तो है, मगर हमारा जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ मोकामा विधानसभा में सपोर्ट अनंत सिंह के 12 ना जनता के समर्थन। हाँ, अनंत सिंह का सपोर्ट। हाँ हाँ, 12 ना हमको जहाँ तक जानकारी, जहाँ तक समर्थन। अच्छा, आप बताइए, एक दिन पहले वो इस्तीफा देते हैं, फिर ललन सिंह को चेहरा बना के क्यों खड़ा? अब ये तो बीजेपी पार्टी वाला बताएगा, हम क्या बताएंगे, कहल खड़ा किए गए। अच्छा। है ना, और रह गया बात यहाँ पर रहता। अच्छा, है वो तो बीजेपी की पार्टी बताएगी, लेकिन आप लोग को तो पता होगा, आप लोग मोकामा के हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, पता है कि आखिर उनके अनंत सिंह के टक्कर में हमको किसको खड़ा करना है। वो तो अब देख रहा है कि अब जो आदमी खड़ा होने के लिए इच्छुक होगा, बहुत सा आदमी है नहीं खड़ा होने के लिए तैयार है, उनके खिलाफ पैसा भी है। अच्छा, बहुत दिन से विधायक रहे हैं, और रही बात रह गया बात यहाँ का, तो यहाँ हम लोग जो है राजद का सपोर्टर यहाँ है। अच्छा। यहाँ आनंद सिंह का सपोर्टर नहीं है, लेकिन अब राजद जब जिसको टिकट दिया उसको देंगे वोट। अच्छा, यहाँ पे कौन सा ये की का सबसे ज्यादा जनसंख्या है? यहाँ ज्यादा कौन सी जनसंख्या? ज्यादा वोट होगा यहाँ ये वोट होगा लगभग, यहाँ गांव में 3 बूथ है, तो वह करीब 4,000-5,000 वोट, 600 यानी कि लगभग। हाँ हाँ, 5,000-6,000 वोट कोली मोटा है। हाँ, मैंने 600 भी। बताइए थोड़ा सा अपना, बताइए ना। हाँ बताइए, क्या कर रहे थे? लेमुआबाद पंचायत में पोलिंग होता है 6,600 वोट, 6,600 वोट पोलिंग होता है। सारे यादव जी हैं? सब यादव जी ना, इसमें नहीं और लोग और जात भी हैं, सब जात हैं।
लेकिन अति पिछड़ा सभी है इसमें, अति पिछड़ा का वोट जाएगा ललटेन को। हाँ सब ललटेन को जाएगा, एगो नहीं मैं है। थोड़ा सा बड़ा अचंभव की बात है, यहाँ पे जातिवाद भी आ गया है, समझिए कि जैसे नहीं जातिवाद नहीं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह के तरफ हम लोग नहीं थे, लेकिन अब ललटेन आ गए हैं सपोर्ट में, तो अब ललटेन नहीं नहीं, पहले भी अनंत सिंह को वोट दिया है, अब कब अब की बार भी अनंत सिंह को देंगे। अच्छा आप लोग, हाँ हाँ, आप लोग को क्या लग रहा है? चुपचाप ललटेन साहब बोल के नहीं, तेजस्वी जी अच्छा काम कर रहे, रोजगार दे रहे हैं युवा को, अब मोदी जी जी से पकौड़ा थोड़ी बेचेंगे, बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो पकौड़ा बेचेंगे, चाय बेचेंगे, चाय बन के तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन चाय वाला के लिए क्या किए? मतलब आप लोग अनंत सिंह को नहीं, मतलब आप लोग वोट दे रहे हैं आरजेडी को? आरजेडी को दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी तो काम कर रहे हैं, पहले वाला थोड़ी आरजेडी है, अभी नया आरजेडी आया है जो तेजस्वी चला रहा है। अच्छा तेजस्वी जी को जी युवा है, युवा के बारे में सोच रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, अभी तो 10 लाख के लिए बोले हैं ना, और रोजगार उनका हाथ मजबूत करना तेजस्वी जी को। अच्छा। जी हाथ मजबूत कर रहे हैं जी, नहीं विकास है तेजस्वी जी बिहार के बारे में, तो केंद्र में मोदी जी है ये ना। अच्छा इधर 8,000 वोट आप लोगों का है, फिर उधर भूमियार का भी वोट है, उन लोगों का कितना वोट है? उन लोग का तो पूरे विधानसभा में 80,000 वोट है। 80,000 वोट है हाँ। उन लोग का तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, दोनों भूमियारी हैं। हम लोग का प्लस वोट है, जो हम लोग का जो है ना ये हम लोग जिधर हम लोग गए उधर ही जीत होगा। अच्छा हाँ। मतलब जीत में ना समझिए कि पंडार के जगह पे हमको पता चल गया, वो लोग का वोट बंटवारा होगा दो भाग में, लेकिन हम लोग का तो वोट जो है जो आरजेडी का सिंबल है वो इसलिए होगा ना। अच्छा तेजस्वी जी को हाथ मजबूत करना है। अच्छा पंडारक में तो आपने बता दिया इतना वोट है, ऐसे मोकामा में पूरा में कितना होगा आप लोगों का वोट? 40-45,000 होते वोट मोकामा पूरे विधानसभा में, 60,000 वोट है ज्यादा है यादव समाज का सब लोग मिलाकर, आप लोगों यादव अति पिछड़ा मिलाकर लगभग 70,000 वोट है। अच्छा ज्यादा और अति पिछड़ा मिलाकर 70,000 वोट है। अच्छा एक और मेरा सवाल है आप लोगों से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे अब आरजेडी के तरफ से अनंत सिंह को सिंबल दे दिया गया तो हम उनको ये कर रहे हैं, तो अगर क्या बीजेपी में मतलब ललन सिंह के जगह पे कोई और चेहरा जैसे चिराग पासवान चिराग पासवान अगर रहते तो क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं लगता है, चिराग पासवान रहते तो वो भी नहीं रहते, ऐसा बात नहीं है। चिराग पासवान नहीं जीत पाते, नहीं सवाल नहीं है, चिराग पासवान का पार्टी तो कई बार खड़ा हुआ है, कहां जीते नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, नहीं चिराग जी पे यहां कुछ भी नहीं है, वोट उतना नहीं है, मिलेगा कैसे? चलिए अब आप तो बहुत क्या, आप तो बहुत पुराना बुजुर्ग आदमी है, शुरू के मुकामा अब के मुकामा बड़ी लोग गए आए सब कुछ आप देखे, काका हुआ मुकामा में, आप क्या कहिएगा? वही मतलब अनंत सिंह ही रहेंगे या फिर नया चेहरा? अनंत सिंह का रहेगा, अनंत सिंह ही। क्या बात है अनंत सिंह में? बहुत बात है अनंत सिंह की, आरजेडी आरजेडी आरजेडी, यहाँ लोग अनंत सिंह से ज्यादा आरजेडी को, बाबा है, बाबा आ रहे हैं, बाबा के पास भी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बताइए थोड़ा सा, आप लोग पंडारक का अपना समीकरण बताइए। हम तो आरजेडी के देंगे क्योंकि दबे कुचले को अधिकार दिए हैं लालू जी, बोलने का बैठने का हर चीज का, अति पिछड़ा चाहे जो हो, अनंत सिंह ने तो वो तो जिनको दे देंगे वो अपना सैंपल उन्हीं को मिलेगा। अगर मान लें कि हम अनंत सिंह अगर काम नहीं करते हैं फिर भी हम आरजेडी के तरफ ही चले जाएंगे? हाँ ये में तो शक्य नहीं है, काम कैसे नहीं करेंगे? काम जब वहाँ लगाम उनके पास है तो काम कैसे न कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी के ही मिलेगा जो पार्टी को दे दो। हाँ आपको क्या लग रहा है? ठीक के बोले, अनंत सिंह ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, करते हैं, जो लोग जाते हैं जरूरतमंद लोग तो उनका काम भी करते हैं, जो नहीं गए हैं उनको नहीं पता है, लेकिन जो काम करने योग्य है करते हैं, ऐसी बात नहीं। पार्टी इतनी बार से मतलब अनंत सिंह जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, आखिर क्या खासियत है? हाँ खासियत है ना, खासियत है ऐसी बात नहीं, उनके आवास पर कोई भी पहुँच जाता है चाहे बीमारी लेके पहुँच गया, उनका भी ख्याल रखते हैं और तुरंत उस पर ध्यान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। एगो होगा विधायक की जाने के बाद नुक गया, वैसा वहाँ बात नहीं है, कोई भी पहुँच गया किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है, काम क्या है बोलो, उनका जो भी वहाँ वर्कर रहता है क्या काम से आए हैं काम बताइए, और भरसक प्रयास हो वह काम निपटाने का करते हैं,
हम तो यही जानते हैं। तो हम भी सुने हैं कि अनंत सिंह के द्वार पे जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौट के आता है, वो काम करते हैं जैसा कि जनता कह रहे हैं, और यही वजह है कि वह लगातार जीतते आ रहे हैं। और अब तो अनंत सिंह के साथ साथ आरजेडी का सिंबल उन्हें मिल गया है, यानी कि महागठबंधन का सिंबल उन्हें मिला है, इतने लोग जुड़ गए हैं। तो जनता की जो राय है वो आप सुन ही रहे हैं, आप क्या कहते हैं? यहाँ तो फूल उनका उन्हीं का आरजेडी का बहुमत है, ज्यादातर है लेमुआबाद पंचायत, मतलब 80-90% मान के चलिए आरजेडी, सब आरजेडी है। क्या बोल रहे थे, किन से बुलवाने के लिए बोल रहे थे? बाबा क्या लग रहा है बताइए, बड़ा जो चुनाव है बड़ा थोड़ा सा दिलचस्प हो गया, ललन सिंह और आनंद सिंह दोनों के पत्नी। अरे ललन सिंह के कौन जानता है, कोई आनंद सिंह तो इतना काम कर रहा है, अभी तो जेल में ठूसे हुए थे, क्या काम करेंगे बेचारे, 10 बरस से तो जेल में है, जब तो उनका पत्नी हुआ है तो ये काम करबे करेंगे, तो इन्हीं को हम लोग देते हैं। एक ही ना हुए पत्नी हुए चाहे हाँ तो काम करते हैं, उन्हीं को वोट ललन सिंह को नहीं जानते हैं? नहीं क्यों जानते हैं, कोई इधर अब नहीं करते है, कभी हमारे तो चिन्हबो नहीं करते हैं, इनको ये तो बराबर इतना बूढ़ा होकर फिर भी नहीं चिन्हते? नहीं हाँ चिन्हबे नहीं करते हैं, तो अरे आज तक वो राजनीतिक में कहाँ कभी सूरज भान जी को पहचानते हैं? नहीं उन्हें नहीं पहचानते हमारे अरे इधर अबे नहीं करते तो पहचानते हमारे, उधर उनका घर जाते हैं थोड़े जो पहचानेंगे, सुनने वाले लोग को जानते हैं। क्या कहते हैं आप? मैं तो आरजेडी में जगह काम करते हैं इसीलिए। अच्छा काम करते हैं बस मिलने नहीं है? नहीं आते मिलने के लिए। अच्छा हम कहेंगे कि जाइए जाइए आप जानिए जाइए पंडारा के में, आ थोड़ा बच्चा ही लोग से मिलिए जरूर। आप लोग क्या कर रहे हैं, मिलना है? हाँ मिलना है अनंत सिंह। हाँ अनंत सिंह की पत्नी, अनंत सिंह तो जेल में, अनंत सिंह की पत्नी जीतेगी तो आएगी? हाँ जीतेगी, खुश है? हाँ एकदम जीतेगी। ललटेन जलाना है, कमल नहीं खिले दीजिएगा? नहीं ललटेन जलाना है, कमल का नहीं खिले दीजिएगा? कमल कमल मुरझा जाता है, कमल मुरझा जाता है, ललटेन तो प्रकाश देगा, इसे ललटेन जलाएंगे, लगेगा देंगे जीतेंगे तो देंगे जलाएंगे फिर। आपका चाय का दुकान है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते रहते होंगे, कौन इस बार आया सियासत में, कौन अच्छा काम किया? आनंद सिंह जीतेंगे, कंफर्म है 15 पंचायत। कमल छाप केंद्र में, उससे क्या मतलब है, केंद्र को कौन जानता है? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जगह पर है, और यह हम लोग का जो एरिया है उस पर मानेंगे, हम लोग को जो सुविधा देगा उसको देंगे, आरजेडी है हमारा पार्टी, हम आरजेडी को देंगे। और बात है कि अनंत सिंह काम करते हैं इलाका के लिए, उनको घर पर कोई भी जाता है उनको एक गिलास पानी देते हैं, उन्हीं को वोट मिलेगा। तो आपने सुना यह पंडारक जगह है और पंडारक में यादव लोग का वोट कितना है, अति पिछड़े लोगों को सबको मिलाकर 8000 या वोट है, और भी यहाँ पर एरिया वाइज बटा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ भी बातें करेंगे। लेकिन जो अहम बात यहाँ से निकल के आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, बातों ही बातों में जो ये पता चला है कि यहाँ के जो लोग हैं आरजेडी को पहचानने वाले हैं, यानी कि आरजेडी को वोट देंगे। अनंत सिंह भले ही खड़ा है लेकिन अगर अनंत सिंह के जगह पे कोई और भी होते हैं तो वो लोग आरजेडी को वोट देंगे, यानी कि ये जो इतना यादव समाज का जो वोट है वो आरजेडी को जाएगा, वह तेजस्वी को जाएगा। और एक और बात जो इन्होंने कहा, अब यह जो सरकार है आरजेडी की सरकार है पहले वाली नहीं है, अब दूसरी सरकार तेजस्वी के हाथों में आ गई है और यह काम करती है, और तेजस्वी जो युवा चेहरा बनकर सामने उभर रहे हैं, जो काम दे रहे हैं उसकी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इस बार लालटेन ही मोकामा में जलेगा। चलिए और भी एरिया है वहाँ पर भी हम जाएंगे और वहाँ पर भी उन लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।